नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंफोग्रो हिंदी में। दोस्तों, देश दुनिया के नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल इंफोग्रो हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस से संबंधित कुछ गुड न्यूज है जो आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किया है कि सर, हमें बताएं कि एनपीएस से हम पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं, और यदि निकाल सकते हैं तो कितनी बार निकाल सकते हैं, और कितने साल के अंतराल में निकाल सकते हैं, और सर्विस पीरियड कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले तो यह 10 साल के बाद, यदि आपका सर्विस काल 10 साल पूरा हो जाता है तभी आप 25% निकाल सकते थे, वो भी टीयर 2 सदस्य। टीयर 1 के लिए ऐसी कोई नियम नहीं थी, लेकिन हाल फिलहाल में ही यानी कि 10 अगस्त 2017 को PFRDA ने इसमें सुधार करते हुए और एनपीएस खाता धारकों की अचानक वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक नियम बनाई है कि अब कोई भी एनपीएस धारक अपने सर्विस के 3 साल पूरे होने के बाद अपने अंशदान का 25% निकाल सकते हैं, और अपने सर्विस काल के दौरान 3 बार वह 25-25% करके पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बीच में 5 साल का अंतर होना चाहिए, यानी कि यदि पहली बार आप 25% का निकासी करते हैं तो 5 साल के बाद ही आप दूसरा निकासी कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर 5 साल के बाद तीसरा निकासी कर सकते हैं, और इस तरह अपने 60 वर्ष में यानी कि सर्विस काल के 60 वर्ष पूरे होने के बीच में आप 3 बार इससे 25-25% करके निकाल सकते हैं। तो ये थी गुड न्यूज उन एनपीएस धारकों के लिए जो एनपीएस से पैसे निकालने के इच्छुक है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि इसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसा कि आप यूं ही आप एनपीएस से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा और जिसमें उचित और पर्याप्त कारण होना चाहिए। जैसे कि कुछ मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि यदि घर के किसी सदस्य को की तबीयत जोरों से खराब हो, यानी कि बड़ी बीमारी हो जाए, और या फिर अपने बच्चों का उच्च शिक्षा के लिए या फिर घर बनाने के लिए इस तरह की आवश्यकता आए दिन किसी न किसी के साथ होती रहती, उस स्थिति में आप अपने एनपीएस में अपने अंश का 25% निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा और स्वीकृति होने के बाद ही आप 25% निकाल सकते हैं, यानी कि घुमा फिरा के इसमें कुछ अभी भी लफड़ा बाकी है जो कि हमारे लिए उचित और पर्याप्त नहीं है। जैसा कि पीएफ खाता धारकों के लिए है, वो जब चाहे जितने चाहे पैसे निकाल सकता है, ऐसी स्थिति हमारे एनपीएस में नहीं है। तो उम्मीद है कि एनपीएस से संबंधित सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और यदि किसी तरह का और भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल इन्फोग्रो हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।